गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट पीयूष सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं सुबह के मॉर्निंग करंट अफेयर की जानदार शानदार क्लास में। तो दोस्तों फटाफट से एक बार जहां तक आपकी रीच है वहां तक शेयर करिए इस चैनल को, इस शो को, जो सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे ज्यादा करंट अफेयर आपको देता है। और पेपर पेन लेके बैठ जाएगा दोस्तों, क्योंकि नोट कमाना है तो नोट करना होगा। लिखना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। और देर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो दोस्तों ये आपकी जिंदगी का एक हैबिट होना चाहिए, एग्जाम हो या ना हो। अगर आपने दोस्तों जो है इसको अपनी हैबिट बना ली तो आपको सरकारी नौकरी पाने से और जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर हर न्यूज और हर इशू पता है और हर अपडेट्स अगर आपको है तो इसका फायदा आपको साल दो साल बाद होने वाले एग्जाम में भी मिलेगा। दोस्तों इस बात को याद रखिए। ये मैं फील करता हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, और जो करेंट अफेयर्स जो लोग डेली कर रहे हैं उन वही उसका आंसर कर सकते हैं। वो ना तो किसी बुक में मिलती है ना तो कहीं और मिलती है दोस्तों। तो इसे अपनी हैबिट बनाइए, ये गुरु मंत्र आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये मेरे अंदर से फीलिंग आई कि अगर ऐसा बच्चे करे तो उनको हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा नंबर, जो एक्स्ट्रा सीट दिलाने के लिए चाहिए, जो टॉपर मेंटालिटी है, पासिंग मेंटालिटी नहीं, टॉपर मेंटालिटी, एक्स्ट्रा नंबर लाना है, कैसे लाएं? तो इसे अपनी हैबिट बनाइए, सुबह की शुरुआत इसी से होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सूरज हमें नहीं जगाता, हम सूरज को जगाते हैं, सबसे पहले करंट अफेयर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए डिजाइन किया गया शो है, चाहे बैंकिंग फाउंडेशन हो या डेली करेंट अफेयर हो, ठीक है। इसके बाद बेस्ट 200 करेंट अफेयर की क्लास हो रही है रात को 9 बजे। वीकेंड पर दोस्तों नहीं हुई थी ये बैंकिंग फाउंडेशन और ये क्लास, क्योंकि वीकेंड पे मैराथन चल रही थी एस बी क्लर्क मेंस की। सैटरडे और संडे को 2 दिन हम लोग ने मैराथन करी है और सुबह 9 बजे करी है दोनों दिन। और वो जरूर करिएगा दोस्तों, उससे फरवरी का आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फरवरी का पूरा रिवीजन करने के लिए दोस्तों वो क्लास जरूर करिएगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। जो 2 दिन क्लासेस हुई है हमारी, बहुत सारे इश्यूज पर जो भी आपके एग्जाम में आएगा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा, आपके एग्जाम में पेटीएम इशू आएगा, आपके एग्जाम में बजट से क्वेश्चन आएंगे, इस पर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उस पर स्पेशल लेक्चर भी मैं लेके आता हूं, ठीक है। अब दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी कॉलम भी लेकर के मैं आप लोग ले आता हूं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, द हिंदू से बनते हैं, इनके एडिटोरियल से आपके इंग्लिश के आरसी पैसेज भी आते हैं। तो दोस्तों ये एडिटोरियल में क्या कहा गया है, इसमें जो है दोस्तों एक चीज कही गई है कि म्यांमार के साथ, जो बर्मा था पहले, हमारा ही पार्ट था भारत का, यहां पे एक फ्री मूवमेंट रिजीम बनाया इन्होंने, 16 किलोमीटर का एफएमआर बनाया 2018 में, जिसकी वजह से दोस्तों वहां पे चीन समुदाय, वहां का कुकी समुदाय ये भारत में एंट्री कर रहा है, अवैध तस्करी कर रहा है दोस्तों, नसीली दवाओं की तस्करी चल रही है, बंदूकों की तस्करी चल रही है। म्यांमार में डिक्टेटर शासन है, वहां से दोस्तों जो है लोगों को भगाया जा रहा है, रोहिंग्या मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो दोस्तों, यहां पे 1600 किलोमीटर पे बाड़ लगाई जाएगी और ये फ्री मूवमेंट रेजिम को बंद किया जाएगा, इस पर पूरा का पूरा एडिटोरियल, ठीक है। किस तरीके से बाहर से आकर के जो समुदाय है वो यहां के मूल निवासियों के साथ दंगा कर रहा है, राइट्स कर रहा है, वो जो है दोस्तों बंद करने के लिए 4 राज्यों से ये हमारी जो है सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों यूएई के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, 7 बार एक प्रधानमंत्री का जाना एक ही देश में, और अभी उनके भी प्रेसिडेंट का भारत में वाइब्रेंट गुजरात समिट में आना और चीफ गेस्ट बनना, दोस्तों बहुत कुछ है। G20 में सऊदी अरब का जो है कि चीफ गेस्ट बनना, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो भारत में और यूएई और सऊदी अरब के रिश्तों पर ये प्रकाश डालेगा, इस पर चर्चा करेंगे, पूरा बड़ा आर्टिकल लिया है, लास्ट में चर्चा करते हैं दोस्तों जब हम लोग खाली रहते हैं। एक वन नेशन वन इलेक्शन जो रामनाथ कोविंद जी कमेटी लेके चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक मैप बड़ा इंटरेस्टिंग आया था जिसमें हर राज्यों के बारे में दूसरे यूरोपियन देशों के जो है आबादी से कंपेयर किया गया, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है, लास्ट में चर्चा करेंगे।
यशस्वी जायसवाल भाई साहब विनोद कांबली और विराट कोहली के बाद तीसरे व्यक्ति हैं जो लगातार दो टेस्ट में डबल हंड्रेड मार चुके हैं दोस्तों, यंगेस्ट भी बन गए हैं, 12 छक्के मारने का भी रिकॉर्ड बना दिया भाई साहब, नवजोत सिंह सिद्धू के 8 छक्के का रिकॉर्ड भी तोड़ा। तो बहुत सारी दोस्तों चीजें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रायसीना डायलॉग भारत में होने वाला है जिसमें ग्रीक प्राइम मिनिस्टर यानी ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर मित्सोताकिस जी चीफ गेस्ट होंगे, जैसे कि अभी वाइब्रेंट गुजरात में यूएई के अल नहयान जी थे और रिपब्लिक डे पर इमैनुअल मैक्रोन थे फ्रांस वाले। और ग्रीस ने तो इस बार भारत को वो भी दिया था जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मोदी जी को, इसी साल दिया था, इस साल मतलब 2023 में, कई देशों ने 2023 में दिया है मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसमें ग्रीस भी था, कैटरीना उस समय हुआ करती थी वहां की राष्ट्रपति। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, 200 से ज्यादा 240 किताबें लिखने वाले स्पिरिचुअल धर्मगुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया, और गुलजार जी जिन्होंने न जाने कितने गाने लिखे, कितनी अच्छी पोएट्री करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है आज का होमवर्क क्वेश्चन कि गुलजार का नाम क्या है, असली नाम, गुलजार तो उनका पेन नेम है, हर लेखक का एक पेन नेम होता है वैसे ही, तो गुलजार का असली नाम क्या है ये आज आप लोग को बताना है, ठीक है। इन दोनों लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। राम भद्राचार्य जी को सब चीजें कंठस्थ, सारे वेद पुराण, राम मंदिर वाले विवाद में जो गवाही है इनकी, 100 पेजों की गवाही है, जो 5 जज भी दोस्तों आश्चर्य करने लगे कि यार कैसे ये पेज नंबर वाइज बता रहे हैं कि कहां कहां अयोध्या का जिक्र है, किस किस वेद में, किस किस पुराण में, किस किस पेज नंबर के, किस किस श्लोक नंबर में। दोस्तों गजब का दोस्तों इन्होंने जो है बहस की थी, जो बहुत एक बड़ा कारण बना था, एक प्रूफ बना था इस फैसले का। इनसेट 3D दोस्तों जो है सैटेलाइट जो मौसम की खतरनाक जानकारी देगा, ये GSLV F-14 से इसरो ने दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। तो अक्सर जो है दोस्तों किस ऑर्बिट में पहुंचाया गया ये क्वेश्चन आता है, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में ये वाले होते हैं डिश टीवी वाले, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वाले, ये पहुंचाया गया है जियो यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाया गया, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाया गया। अभी कुछ ही महीने पहले एक क्वेश्चन आया था नियो का फुल फॉर्म, तो नियो का फुल फॉर्म क्या है ये बताइएगा आप लोग, NEO, वो भी ऑर्बिट ही है, कक्षा ही है, अलग अलग लेवल की ऑर्बिट है और अलग अलग टाइप के सेटेलाइट अलग अलग जगह दोस्तों वो होती है। दंगल की जो सबसे छोटी बेटी थी दंगल मूवी में सुहानी भटनागर, उसकी जो है मृत्यु हुई मात्र 19 साल की आयु में दोस्तों, इसको स्किन का कोई कैंसर हो गया था, पूरी बॉडी स्वेल कर गई थी दोस्तों, जिसकी वजह से जो है इस बिचारी की डेथ हुई। जो बबीता फोगट का किरदार निभा रही थी, बबीता फोगट जो है बहुत प्रसिद्ध पहलवान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई हैं इधर वीकेंड में। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को जो 29 फरवरी तक का समय दिया था, अब 15 मार्च तक का समय दे दिया है, सारी चीजें सेटल कर दो, सारे जो है लोगों का पैसा जो है सेटल कर दो, और 15 मार्च तक अब आप पैसे जो है आपके जो है अवेलेबल बैलेंस जो है निकाल लीजिए अपना, यही राय रहेगी। पैसे 15 मार्च के बाद भी आप पैसे निकाल तो सकते हैं, जमा नहीं कर सकते दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे छत्रपति शिवाजी जिनको कहते हैं पूर्वोत्तर का शिवाजी, लचित बुरफुकन जी जिन्होंने सराय घाटी की लड़ाई में औरंगजेब की सेना को परास्त किया था, उनकी दोस्तों 125 फीट ऊंची मूर्ति जो है असम में लगाई गई, लाहडोईगढ़ होलोंगापुर जोरहाट में दोस्तों लगाई गई है ये मूर्ति, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत ने तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी के रूप में वैश्विक डिजिटलीकरण मील का पत्थर हासिल कर लिया है, यानी भारत जो है दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर टोटल इकोनॉमी में जापान को पीछे करके जर्मनी भी पहुंच गया, याद रखिएगा, या US, चाइना और इंडिया है दोस्तों। लेकिन अगर फिनटेक इकोनॉमी में अगर बात की जाए,
कि फिनटेक मतलब कि फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां, जैसे यूपीआई ऐप वाली कंपनियां और जो भी ऐप के थ्रू आपको फिनेंशियल सर्विसेज देती हैं, फिनटेक में यूएसए पहले नंबर पे है, दूसरे पे यूके है दोस्तों, और तीसरे पे इंडिया है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है? ओके, तो यहां डिजिटल इकोनॉमी में अमेरिका, चाइना, इंडिया है, फिनटेक इकोनॉमी में अमेरिका, यूके, इंडिया है, इन दोनों के अंतर को समझ लीजिएगा, क्योंकि यही दोनों इसी दोनों जगह आपको कंफ्यूजन हो सकता है। डिजिटल इकोनॉमी अलग चीज है, फिनटेक इकोनॉमी अलग चीज है। ओके, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे दोस्तों, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? और दोस्तों रियल टाइम पेमेंट में तो हम लोग जो है दोस्तों दुनिया में पहले नंबर पे हैं, यूपीआई की वजह से। रियल टाइम पेमेंट में हमारा कोई भी टक्कर नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। ओके, प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली महाभारत इंस्पायर्ड ज्योति सार अनुभव केंद्र का अनावरण किया है, यानी कि दोस्तों महाभारत से इंस्पायर्ड जो है ज्योति सार अनुभव केंद्र है, जिसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये पूरा रंगारंग कार्यक्रम आप देख भी पा रहे होंगे महाभारत का। ये महाभारत के रेवाड़ी में दोस्तों जो है यहां लॉन्च किया गया, यहां एक एम्स की भी आधारशिला रखी गई, उसी हरियाणा में दोस्तों जहां पे इस समय सिंधु बॉर्डर पे किसान जो है बवाल काट रहे हैं। इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में दोस्तों महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने वो ऐतिहासिक गीता का उपदेश दिया था, जिस श्रीमद् भगवत गीता जी को हम लोग पूजते हैं और अपना प्रमुख धार्मिक ग्रंथ मानते हैं और उस मूल्यों पर, उसी रास्ते पर चलते हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत प्रमुख केंद्र है, जहां संग्रहालय, महाभारत के म्यूजियम, व्याख्या केंद्र और जो है महाभारत से जुड़ी हुई चीजों को दोस्तों जो है वहां पे आपको दिखाया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों। तो ये जो है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, ने कोई हरा नहीं सकता दोस्तों। ये वो राज्य है जहां मोदी लहर भी नहीं चलती है, लोकसभा में भी नहीं चलती है। तो दोस्तों ये 23 साल से मुख्यमंत्री हैं, 24 साल होने वाला है इनको। ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के 24 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने के एकदम नजदीक, और तोड़ ही देंगे अगर भगवान जो है कृपा करेंगे, मतलब भगवान बुला न ले, बस इतनी सी बात है। बाकी अगर रहेंगे धरती पे तो ये जो है पूरा कर लेंगे उसको। तो दोस्तों सब कुछ प्रभु कृपा से होता है ना? ये चमक, ये धमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है ना? जो चमक धमक हम लोग दिखती है या हम लोग दिख रहे हैं, सब उनकी कृपा से। दोस्तों आइए अब एमसीक्यू सेशन पे आ जाते हैं। एमसीक्यू सेशन पे, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ आरबीआई क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की सुविधा के लिए अपने संबंधित तेज भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने की योजना बना रहा है? विथ विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक, किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ, यानी हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम आरबीआई है, अब उस देश के सेंट्रल, किस देश के सेंट्रल बैंक की बात हो रही है? आर प्लानिंग टू इंटीग्रेट दियर रिस्पेक्टिव फास्ट पेमेंट सिस्टम। अब फास्ट पेमेंट सिस्टम हमारे यहां का तो यूपीआई है भैया, अब यहां पे किस देश के सेंट्रल बैंक का नाम की बात हो रही है? हमारे आरबीआई से। तो दोस्तों यहां पे बात हो रही है नेपाल राष्ट्र बैंक की, और यूपीआई की तरह उन्होंने फास्टर पेमेंट सिस्टम क्या बना लिया है, नेपाल पेमेंट इंटरफेस। हमारे से नाम भी कॉपी कर लिया है, हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उन्होंने इसी से नाम कॉपी कर लिया कि सेम नाम रख दिया, नेपाल पेमेंट इंटरफेस। क्या नाम रख दिया? नेपाल पेमेंट इंटरफेस नाम रख दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर हम लोग यूपीआई की बात करते हैं
तो अभी फ्रांस की लाइरा के साथ टाई अप हुआ है यूपीआई का, दोस्तों अभी यूएई में आनी के साथ टाई अप हुआ है और आईपीपी के साथ भी हुआ था, और सिंगापुर के पेनाउ के साथ टाई अप हुआ है। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसी हफ्ते में यूपीआई शुरू कराई गई है। फ्रांस में एफिल टावर पे शुरू कराई गई दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। यूएई में तो जाकर के मोदी जी ने स्वयं जो है आनी के साथ टाई अप किया, और वहीं पर रुपे कार्ड जो हमारा स्वदेशी कार्ड पेमेंट सिस्टम है उसका टाई अप यूएई के जेवान से हुआ है, जेवान से हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। ओके, यूपीआई की अगर बात करें दोस्तों तो 18.41 लाख करोड़ जो है का रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, 18,41,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन अकेले जनवरी में हुआ है। 12.20 बिलियन का करोड़ दोस्तों जो है 1,220 करोड़ रुपए का जो देखा जाए तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, और उसमें से 90% जो ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों 200 रुपए से कम के होते हैं, जो बताता है कि आम लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है यूपीआई, जो 2016 में आई थी 11 मई 2016 को जो एनपीसीआई ने जिसको डेवलप किया दोस्तों, आज वो यूपीआई पूरी दुनिया भर के लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, और वो बड़े हतप्रभ रहते हैं कि कैसे क्यूआर कोड से खटाक से ये पेमेंट तुरंत अकाउंट में आ जा रहा है। दोस्तों नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है, जहां पे सार्क का मुख्यालय है, जहां 8 मेंबर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। रुपया वहां की भी दोस्तों करेंसी है, रुपया 8 देशों में करेंसी है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स, पाकिस्तान। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल, प्रचंड भी इनको कहा जाता है, इनको प्रचंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा शानदार। दोस्तों फरवरी 2024 में बॉब कार्ड लिमिटेड, जिसे पहले बॉब फाइनेंशियल के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ये नाम अभी इसी हफ्ते चेंज हुआ है, बॉब फाइनेंशियल बॉब कार्ड के नाम से जाना जाएगा, जो इनका क्रेडिट कार्ड वाला वर्टिकल है बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी सब्सिडियरी है। एनपीसीआई के साथ मिलकर के इसने रुपे नेटवर्क पर कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की जो है दोस्तों घोषणा की है रुपे नेटवर्क पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत इंटीग्रेटेड यूपीआई नेटवर्क पर कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना था? ये रुपे नेटवर्क पर कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करें, इंटीग्रेटेड यूपीआई नेटवर्क पर कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? ये दोनों अलग अलग न्यूज है, एक इंफॉर्मेशन दी गई है और अगला न्यूज उसी से संबंधित पूछा गया है दोस्तों कि चलो ये तो रुपे नेटवर्क पर इन्होंने लॉन्च किया कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये बताओ इंटीग्रेटेड यूपीआई नेटवर्क पर किसने लॉन्च किया था सबसे पहले? तो उसका नाम था दोस्तों इंडसइंड बैंक, बिल्कुल सही है, इंडसइंड बैंक। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में जनवरी में दोस्तों 21 जनवरी के लगभग में विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो गया था, जिसे 1 अप्रैल 2019 को इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों के हेड हैं देवदत्त चंद, देवदत्त चंद दोस्तों जो है इसके हेड हैं, सीएमडी हैं, जिसकी किसी भी बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के हेड की अपॉइंटमेंट कौन करता है? एफएसआईबी, जिसका पुराना नाम बीबीबी था, बैंक बोर्ड ब्यूरो था, अब फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हो चुका है। भानु प्रताप शुक्ला उसके हेड है, भानु प्रताप शर्मा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप को दोस्तों आरबीआई ने बोला है कि इस पे तुम कोई भी अब नया कस्टमर नहीं जोड़ सकते हो, नियम का पालन तुम नहीं कर रहे हो। बॉब वर्ल्ड ऐप पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है आरबीआई ने, इस बात को भी याद रखेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, ओके, तो दोस्तों जो है रुपए पर बॉब कार्ड देख सकते हैं, कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च हो गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा इश्यूअर दोस्तों जो है वो एचडीएफसी है, और डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा जारीकर्ता वो एसबीआई है।
इंडसइंड बैंक की बात करें दोस्तों, तो इसने अभी इंडी ऐप भी लॉन्च किया था। वर्ल्ड कप में इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और मास्टर कार्ड, ये तीनों स्पॉन्सर थे फाइनेंशियल सेक्टर से, ये तीनों स्पॉन्सर थे। ओके दोस्तों, एसबीआई ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं के लिए डिजिटल नामांकन शुरू किया है। दोस्तों अभी पिछले साल ये क्वेश्चन भी आया था कि अब आधार बेस्ड इनरोलमेंट जो है भी किया था एसबीआई ने, और इससे क्वेश्चन क्या बना था ये बहुत ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला था कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अब केवल आधार के इनरोलमेंट से ही हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आपको पेपर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, बस आपका बायोमेट्रिक की जरूरत है, आपका अंगूठा लगेगा और फटाक से आपको वो सेवाएं मिल जाएंगी। उस सेवाओं का एक नाम लिखा था दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और पूछा गया था एग्जाम में कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कौन सी योजना नहीं आती है, और उसमें कोई एक ऐसी योजना डाल दी थी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में नहीं आती है, जैसे मान लो महिला बचत पत्र डाल दिया होगा या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना डाल दिया होगा। ये दोनों योजनाएं न तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आती हैं और न तो ये दोनों योजनाएं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आती हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में केवल तीन योजनाएं आती हैं जो 9 मई 2015 को कोलकाता में शुरू हुई थी, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक अटल पेंशन योजना। दोस्तों ये जब लॉन्च हुई थी तभी बोला गया था कि जन धन से जन सुरक्षा की ओर, यानी कि एक साल पहले जब जनधन योजना शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को, और उसके बाद जो है ये 9 मई 2015 को, ये तीनों सुरक्षा देती हैं। जैसे ये लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है 2 लाख की, ये 2 लाख के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पॉलिसी है, और अटल पेंशन योजना में 1,000 से लेके 5,000 रुपए तक का पेंशन मिलता है, जितना प्रीमियम दोगे उस हिसाब से है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5 वेरिएंट है, 5 प्रकार के पेंशन आपको मिल सकते हैं। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल की उम्र होती है, 18 नहीं लिखता हूं, जीवन ज्योति योजना में 18 से 50 साल और सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 साल, 70 साल इसलिए क्योंकि सुरक्षा बीमा है, एक्सीडेंट से डेथ होना है, उम्र से उसका कोई वास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम 12 रुपए था, 20 रुपए कर दिया गया, जीवन ज्योति योजना का 330 रुपए था, 436 रुपए कर दिया गया, और अटल पेंशन योजना में भी जो है कुछ अमाउंट बढ़ाया गया है। ओके, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रीमियम होते हैं, बहुत अलग अलग प्रीमियम होते हैं, हाँ, लेकिन उसका मिनिमम और मैक्सिमम आप लोग याद कर लीजिएगा। मिनिमम मुझे लगता है 42 रुपए के लगभग होगा और मैक्सिमम शायद 200 या 210 रुपए के लगभग में होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। इन तीनों योजनाओं में एक ऐसी योजना है जिसमें विकलांगता पे भी पैसे मिलते हैं, फुल्ली डिसेबिलिटी होने पर 2 लाख रुपए और पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर 1 लाख रुपए, वो केवल सुरक्षा बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना, क्योंकि एक्सीडेंट से जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की डेथ ही हो जाए, हो सकता है कि उसके हाथ पैर भी जा सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों जो है ये एकमात्र वो योजना है। ओके, क्लियर है। अगर जीवन ज्योति योजना अगर आप चला रहे तो 55 साल की उम्र तक चला सकते हैं, लेकिन एंट्री करने की एज 50 ही है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। तो उसी में दोस्तों इन दोनों योजनाओं की बात हुई है, डिजिटल इनरोलमेंट की, और क्योंकि ये एसबीआई से जुड़ा हुआ है और एसबीआई आपके अकाउंट, आपके एग्जाम आने वाले हैं 25 फरवरी को 2 शिफ्ट में और 4 मार्च को सिंगल शिफ्ट में आपका मेंस का पेपर है, तो यहां पे आप लोग को ये देखना होगा। ओके, तो अब आपको ग्राहक सेवा केंद्र या ब्रांच पर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस डिजिटली आप घर से ही बैठ करके इसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं, सारी जो है समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। करना क्या होगा, जन सुरक्षा पोर्टल पर खाता संख्या, जन्मतिथि और बैंक का चयन करना होगा और आपका जो है इसमें नामांकन हो जाएगा,
इनरोलमेंट हो जाएगी, किसी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब ये बायोमेट्रिक वाला भी चक्कर खत्म कर दिया, सीधे डिजिटल इनरोलमेंट कर दिया कि बताना अपना बैंक अकाउंट नंबर बताओ, अपना नाम बताओ और खटाक से अपना अकाउंट नंबर में कटेगा तुम्हारा प्रीमियम। प्रीमियम कब से कब कटता है ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा था। 1 जून से 30 मई तक की ये योजना होती है। हर साल जून में आपका प्रीमियम कटता है और 30 मई तक आपको सुरक्षित कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिडबी ने स्टार्टअप्स के लिए निधियों के कोष पर प्रभाव अध्ययन जारी किया। दोस्तों सिडबी रिलीजेस इंपैक्ट स्टडी प्रभाव ऑन फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। दोस्तों स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड लॉन्च किया गया था, इसके ऊपर एक स्टडी की गई और इसके इंपैक्ट को जानने के लिए, इसके प्रभाव को जानने के लिए, और उस स्टडी का नाम भी प्रभाव रखा गया। सिडबी जो कि 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है, एमएसएमई को लोन देती है, एस रमन हेड है। 2 अप्रैल 1990 को आई थी, 1989 में इसका एक्ट आया था और दोस्तों लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। इसी की सब्सिडियरी है मुद्रा बैंक। दोस्तों मुद्रा बैंक भी जो है इसी की सब्सिडियरी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, सिडबी के मुंबई वाले ऑफिस में, जो माइक्रो यूनिट्स को लोन देती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सिडबी ने क्या लॉन्च किया है, 2016 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया दोस्तों 16 जनवरी को शुरू हुआ था, इसीलिए इस दिन हम लोग स्टार्टअप डे भी मनाते हैं। आज दोस्तों एक अभी श्वेत पत्र में जारी हुआ है कि 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। एग्जैक्ट अमाउंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कितने स्टार्टअप हो चुके हैं जब मैंने श्वेत पत्र पढ़ाया था। एक बार श्वेत पत्र फिर पढ़ा दूंगा, उसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा है 2014 से पहले के और अभी के कंपेयर के, ये जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने के पहले। ठीक है, कि कितने यूनिवर्सिटीज थी, कितनी हो गई, कितने एम्स थे, कितने एम्स हो गए, है ना, 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन थी, 20 में हो गई, ऐसे बहुत सारी, कितने एयरपोर्ट्स थे, कितने एयरपोर्ट्स हो गए, ये आपके डेटा जो है बहुत काम आएंगे। अचानक से पूछ लेगा कितने एयरपोर्ट हैं, कितने एम्स हैं भारत में, तो आप कहोगे अब कहाँ से ये सब पूछ रहा है, तो वो उसी श्वेत पत्र से पूछेगा। जो व्हाइट पेपर निर्मला सीतारमन ने बजट में बोला भी था कि हम लॉन्च करेंगे। दोस्तों फंड ऑफ फंड क्या होता है, देखिए एक फंड होता है जो कि कंपनियों में निवेश करता है, उस फंड को जो फंड दे वो फंड ऑफ फंड होता है। यानी एक मदर फंड होती है जो उस फंड को फंड देता है जो कि कंपनियों में निवेश कर रही है। तो फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए दोस्तों बहुत प्रमुख थे। इस जो प्रभाव नाम से जो ये रिपोर्ट है, इसे जारी किसने किया, इसे बनाया किसने दोस्तों, तो ये क्रिसिल ने बनाया। भारत में 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं दोस्तों, 6, जिनमें ये सबसे पहली है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और सबसे बड़ी भी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये 1987 में आई थी दोस्तों, 1987 में, और मुंबई हेडक्वार्टर है क्रिसिल। वैसे 1987 में एक और घटना घटी थी, भारत का पहला एटीएम मशीन लगाया गया था एक विदेशी बैंक के द्वारा, जिस विदेशी बैंक का हेडक्वार्टर लंदन में है, उसने मुंबई में महाराष्ट्र में दोस्तों वो एटीएम मशीन लगाई थी। भारत की पहली एटीएम मशीन वो थी जिसे एचएसबीसी ने लगाया था, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। दोस्तों इसके बाद देखते हैं निधन और बिचवरी सेक्शन में आते हैं। कविता चौधरी जी का हाल ही में 67 ईयर की आयु में निधन हो गया। कविता चौधरी जी कौन थी दोस्तों, एक एक्टर थी, एक एक्ट्रेस थी, और आप पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी आती थी, एक सीरियल आता था उड़ान, पहले ये डिश टीवी नहीं होते थे, दूरदर्शन पे आता था, और दोस्तों बहुत फेमस था उड़ान, एक लड़की की कहानी जो पहली आईपीएस ऑफिसर बनती है, और दोस्तों बहुत फेमस हुई थी ये, और उसके बाद भी बहुत सारे मूवीज और सीरियल्स में इन्होंने काम किया। तो ये जो है आईपीएस ऑफिसर कल्याणी सिंह का जो है इन्होंने काम किया था 1989 से
1991 के बीच में, वैसे बाद में भी ये आता था और हम लोग उसको देखते थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें इन्होंने खुद की बड़ी बहन और पुलिस अधिकारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का ही रोल किया था। कंचन चौधरी का रोल किसने किया था? कविता चौधरी ने किया था। ठीक है, और दंगल वाली जो दोस्तों सबसे छोटी बेटी थी सुहानी भटनागर, जो अब 19 साल की हो चुकी थी, उसका डेथ हो गया दोस्तों स्किन वाले कैंसर से। दाने दाने रेसेस हुए अचानक से, डॉक्टर को दिखलाया, एक हाथ फूलने लगा, दूसरा हाथ फूलने लगा, पूरी बॉडी फूलने लगी दोस्तों। और एक बड़ा रेयर कैंसर जो बीमारी से बहुत दुखद जो है निधन हुआ है। बबीता फोगाट का इन्होंने रोल किया था, जो पहलवान बबीता फोगाट थी। वो गाना में आपने देखा होगा, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो हानिकारक सेहत से दोस्तों इनकी जो है मृत्यु हो गई। गुलजार और जगत गुरु भट्टाचार्य जी को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है, और ये लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी इनकी 3 पुस्तकों का उद्घाटन करने मोदी जी स्वयं गए थे, राम भद्राचार्य जी के बुक अष्टाध्यायी करके और क्या क्या करके 3 बुक थी उनके उनके दोस्तों जो है उन 3 बुक्स को भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मैंने अभी कल ही पढ़ाया था शायद आप लोगों को उन 3 बुक के बारे में मैराथन में। 240 से ज्यादा किताबें ये लिख चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों जो है 1965 में जो है स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1965 में स्थापित हुआ था। ओके क्लियर है, चलिए 58वां संस्करण है दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का। कि आजकल ये भी पूछ लेता है कि कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, तो 11 लाख रुपए का इसमें नगद पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। वाग्देवी की एक प्रतिमा दी जाती है, यानी माता सरस्वती की, और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है दोस्तों। अभी पुरस्कार से भारत रत्न में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा था। और एक चीज और याद रखिएगा कि अभी नेशनल फिल्म अवार्ड में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, उसकी पुरस्कार राशि को बढ़ा के 10 लाख से 15 लाख किया गया है। ये भी रिसेंट अपडेट है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं जो देता हूं उसे जरूर नोट किया करो, क्योंकि पीयूष सर जो लिख के लाते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो वो बता रहे हैं। इसलिए मेरे एडिशनल इंफॉर्मेशन के आप नोट्स बनाइए, इसका तो PDF मिल भी जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका तो PDF भी आपको रोजगार भी तंकित ऐप में मिल जाएगा, उससे नोट्स बना लेना। साउथ इंडियन बैंक को 19वें IBA टेक्नोलॉजी अवार्ड में दोस्तों जो है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया। बैंक को कितने कैटेगरी में दोस्तों जो है सम्मान मिला है? तो साउथ इंडियन बैंक को 6 कैटेगरी में सम्मानित किया गया, 6 कैटेगरीज में दोस्तों सम्मानित किया गया। PR से सादरी इसके हेड है। बेस्ट IT रिस्क मैनेजमेंट में ये विनर है, बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट में ये विनर है, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक में भी ये विनर हैं दोस्तों। 3 में तो ये विनर हैं, बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये सेकेंड नंबर पे हैं, यानी रनर अप हैं। और बेस्ट डिजिटल और बेस्ट फिनटेक वाले में ये स्पेशल मेंशन, यानी इनको स्पेशल मेंशन किया गया। ठीक है, ये अवार्ड दोस्तों RBI के डिप्टी गवर्नर T. रविशंकर जी के द्वारा दिया गया, और ये प्रोग्राम मुंबई में आयोजित किया गया था। ये प्रोग्राम जो है मुंबई में आयोजित किया गया था दोस्तों। IBA ने ये अवार्ड दिया है। IBA का मतलब होता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जिसके हेड है इस समय PNB के हेड अतुल कुमार गोयल। RBI और IBA ने मिलके ही 2008 में NPCI की शुरुआत की थी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बाद उसने सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किए। अगर एग्जाम में पूछे कोई भी डिजिटल रिवॉल्यूशन, तो आप NPCI तुक्का मार के आ जाना, RTGS, NEFT और RBI की CBDC को छोड़ के। कुछ भी पूछे, NETC, NFS, UPI, भीम, AEPS, रुपे, CTS, कुछ भी पूछे दोस्तों, APBS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम,
कुछ भी पूछे आपको बस एनपीसीआई टिक करना है, डेवलप्ड बाई एनपीसीआई, रेगुलेटेड बाई आरबीआई। साउथ इंडियन बैंक 1929 में स्थापित हुई थी, थ्रिसूर केरला में हेडक्वार्टर है, विजय कुरियन चेयरमैन है दोस्तों, और पीआर सह्याद्री जो है सीएमडी बने हैं, नए नए यही अपॉइंटमेंट है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, एक और ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको एग्जाम में कोई भी एसआईबी नाम से कोई भी प्रोडक्ट दिखा कि एसआईबी किसने लॉन्च किया, एसआईबी के आगे कुछ भी प्रोडक्ट का नाम होगा तो समझ जाओ एसआईबी मतलब साउथ इंडियन बैंक की बात हो रही है। ओके, ये इसी ने लॉन्च किया, थ्रिसूर केरल में इसका हेडक्वार्टर। दोस्तों भारत ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित गवर्नमेंट सर्विसेज यानी सरकारी योजनाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट अवार्ड जीता है। यह वार्षिक पुरस्कार कहां की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों? भी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है आपका यूएई में हुआ था, और यूएई में अभी मोदी जी जो है पिछले 3 महीने में 2 बार जा चुके हैं। अभी COP28 जलवायु सम्मेलन भी यूएई में हुआ था, वहां पे भी जाना हुआ उनका दिसंबर में, और अभी फिर दोस्तों फरवरी में वो पहुंच गए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के ही कार्यक्रम में वो गए थे, जहां बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, जिसपे आज एडिटोरियल भी है, एडिटोरियल आज मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि अच्छा है, यूएई के रिश्तों के ऊपर और कई क्वेश्चन बन सकते हैं, यूएई में क्या क्या चीजें चली, क्योंकि 7 बार कोई प्रधानमंत्री चला गया एक जगह पे, जहां पहले के कोई प्रधानमंत्री जाते नहीं थे, उनका हमारे यहाँ राष्ट्रपति आ रहा है, अभी आए थे जनवरी में वो वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन में गांधीनगर गिफ्ट सिटी में, और चीफ गेस्ट थे वो अब्दुल अल नहयान जी। तो बहुत सारी बातें आज हम लोग करेंगे इस मैटर पर, हिंदू मंदिर को वहां पे इतना भव्य हिंदू मंदिर, 27 एकड़ की जमीन देना और भव्य तरीके से बनवा देना उसको, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हैं, ये आप फिर डिस्कस होगा आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। दोस्तों यूएई की सरकार द्वारा इसको किया गया, यूएई 7 सुल्तानों के सल्तनत का एक संयुक्त अरब अमीरात है, जिसमें अमीर हैं दोस्तों, हर सल्तनत में अमीर हैं, और सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक है अबू धाबी जो इसकी कैपिटल है, और एक है दुबई भी सल्तनत है दोस्तों, जहां आईसीसी का हेडक्वार्टर है, जहां भारत की सारी एफडीआई दोस्तों पहुंचती है। अभी दोस्तों किसको गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई की सरकार के द्वारा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। गोल्डन वीजा सबसे पहले एम ए यूसुफ अली को मिला था, जो कि एक भारतीय थे, दुनिया में किसी को नहीं मिला था, पहली बार किसी भारतीय को मिला था 10 साल का गोल्डन वीजा, उसके बाद सेलिब्रिटियों को मिलता है दोस्तों। अभी किसे दिया गया गोल्डन वीजा ये बताइए दोस्तों। यहां पे जो है ये देखिए अवार्ड देते हुए दिखाया जा रहा है, पीछे एक योजना का नाम है आई रास्ते, आई रास्ते दोस्तों यहां पे इंडिया, आई रास्ते ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इंडिया, नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं दोस्तों। ट्रांसपोर्ट और हाईवे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज किया गया, उस इनिशिएटिव को अवार्ड दिया गया, जिस इनिशिएटिव का नाम है आई रास्ते, आई रास्ते। तो बिल्कुल सही, Super 30 कोचिंग के डायरेक्टर आनंद कुमार, जिनके ऊपर ऋतिक रोशन ने पिक्चर भी बनाई थी, उन्हें अभी गोल्डन वीजा दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले साल जीव मिल्खा सिंह को मिला था, जो गोल्फ के खिलाड़ी हैं, जो कि अपने पिताजी मिल्खा सिंह के पुत्र थे, मिल्खा सिंह जो कि बहुत बड़े धावक थे। एक क्वेश्चन आया था कि मिल्खा सिंह की वाइफ जो है कौन सा गेम खेलती थी, निर्मल मिल्खा सिंह। कोरोना में 1 हफ्ते में दोनों लोग का निधन हो गया था। तो दोस्तों आई रास्ते की वजह से इनको यह अवार्ड दिया गया। रिसेंट के अगर कुछ अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो इसरो को चंद्रयान 3 के लिए आइलैंड ने दोस्तों अवार्ड दिया, आइलैंड देश ने। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन जी को केपीपी नामबियार अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए ही। स्लिम मिशन जो जापान जो है 5वां देश बन पाया चंद्रमा पर पहुंचने वाला, उसने भी चंद्रयान 3 को ही क्रेडिट दिया है। WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन के लिए नीम हंस को दिया गया है। नीम हंस एक मेंटल हेल्थ की इंस्टीट्यूट है जो बेंगलुरु में स्थापित की गई दोस्तों, उसको यह सम्मान मिला है।
दोस्तों स्विट्जरलैंड में एक आइस पैलेस है, बर्फ का पैलेस है, वहां पर जो है ये जंगफ्रू में है, वहां पे एक प्लॉक लगाया गया, एक स्मारक पट्टिका लगाई गई है। प्लॉक का मतलब स्मारक पट्टिका, जो नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में लगाई गई है। दोस्तों स्विट्जरलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं नीरज चोपड़ा जी, जो हमारे जो है इंडिया के क्रश थे और जेवलिन बॉय जिनको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड दोस्तों प्यारे लाल जी को मिला है, जो कि माई नेम इज लखन गाने के लिए मिला है। अपने समय में ये माई नेम इज लखन गाना बहुत फेमस हुआ था, है ना, और अनिल कपूर का बोला डांस भी बहुत फेमस हुआ था, माई नेम इज लखन सजनों का सजन, है ना, 1 2 का 4 4 2 का 1। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल म्यूजिक डायरेक्टर थे दोस्तों, तो लक्ष्मीकांत को नहीं प्यारे लाल को ये अवार्ड मिला है, याद रखेंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों नीमा सरीखानी को मिला है, उन्होंने एक सोते हुए भालू का, पोलर बियर का, ग्लेशियर में फोटो खींचा था बर्फ के टीले पर। उसका नाम क्या है? स्टनिंग स्लीपी पोलर बियर, ये भी पूछा जा सकता है, स्टनिंग स्लीपी पोलर बियर आइस बेड, ठीक है, इसके लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी जो है नीरज चोपड़ा जी को लॉरियस ने अब एम्बेसडर बनाया था, जो युवराज सिंह के बाद जो है बनने वाले ये दूसरे भारतीय हैं जो लॉरियस एम्बेसडर बने। लॉरियस जो है वो बहुत बड़ा सम्मान होता है, लॉरियस जो है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स का समझ लो बाइबल कहा जाता है लॉरियस को। हाल ही में भारतीय सेना के एक हवलदार को मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर नामक एक ड्रोन डिजाइन करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इस बहुउद्देशी ऑक्टोकॉप्टर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह ऑपरेटर को लाइव कैमरा फीड प्रदान करने की निगरानी कार्य कर सकता है। इसका उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित अग्रिम चौकियों पर आवश्यक आपूर्ति पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ऑक्टोकॉप्टर को असॉल्ट राइफल दागने और ग्रेनेड गिराने के लिए प्लेटफॉर्म से लैस किया जा सकता है। भाई साहब, यानी ड्रोन ड्रोन हवा में उड़ रहा है और असॉल्ट राइफल से मार भी रहा है सबको। सोचो, इंसान की जरूरत ही नहीं है, ड्रोन भेजो, असॉल्ट राइफल से मारो, ग्रेनेड गिरा दो, ड्रोन भेजो, किसी आदमी की मृत्यु भी नहीं होगी, उधर से टैंक आ रहा है, इधर से ड्रोन भेजो, ग्रेनेड गिरा दो उसके ऊपर, किसी एयरफोर्स की भी जरूरत नहीं है। तो भाई साहब ये जो है ये बहुत ही सुंदर चीज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम ऑक्टोकॉप्टर रखा गया। ऑक्टोकॉप्टर ऑक्टोपस से रिलेटेड होगा, कॉप्टर इसलिए क्योंकि उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर से ले लिया गया कॉप्टर, और 8 जो है उसके डैने हैं, जिससे जो है ऑक्टो नाम ले लिया गया। इसी 8 आकृति वाले दोस्तों जो है शिवाजी के सिंबल को लगाया गया, कहां पे लगाया गया? नेवी के नए वाले झंडे पे। दोस्तों आप ये देख सकते हो किस तरीके से बंदूक चलेगी इसमें से, और सामने वाले को धराशाही कर दिया जाएगा, बम भी गिरा देगा, ग्रेनेड भी गिरा देगा, और एक जगह से बैठे बैठे ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भारतीय सेना के हवलदार जो है दोस्तों उनको सम्मानित किया गया है। ओके, क्लियर, हवलदार सिंह द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। दोस्तों सुफलाम नाम की एक स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीड्स एंड मेंटर स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब इसमें तुम खोजोगे तो सुफलाम मिल भी जाएगा, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडरशिप एंड मेंटर्स, सुफलाम मिल गया, स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। स्टार्टअप इकोसिस्टम दोस्तों हमेशा याद रखना कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना, स्टार्टअप DPIIT डिपार्टमेंट है एक, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी के मंत्रालय के अंतर्गत। FDI FDI जो भी व्यापारिक चीजें हैं वो उसी के अंतर्गत आती हैं। ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया था।
तो पशुपति कुमार पारस ने इसको क्यों लॉन्च किया है? अब यहाँ पे ये सोचना होगा कि भाई पशुपति कुमार पारस तो खाने पीने वाले मंत्री हैं, इन्होंने इसको क्यों लॉन्च किया है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान के चाचा हैं, उनको धोखा दे के अलग पार्टी बना ली है, जैसे शिवसेना ने अलग पार्टी बनाई, अजीत पवार ने अलग एनसीपी बना दी। रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, हाजीपुर से दोनों चाचा भतीजा चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़ा विवाद चल रहा है। तो दोस्तों जो है ये कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है इन्होंने किया है। ओके, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दोस्तों काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसमें जो है FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और FME PMFME योजना चलती है, जो खाने पीने की जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि कोरोना में हम 17 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस में इसलिए पहुंचे थे क्योंकि हमने खाने पीने की चीज़ें बहुत एक्सपोर्ट करी थी, क्योंकि दुनिया की डिमांड वही थी। कोरोना के समय में कुछ भी इम्पोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ से खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी, तो इस क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिला था उस समय। दोस्तों फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उड़ीसा और असम यात्रा के संबंध में कौन से पॉइंट सही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के संबलपुर में 78,000 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की आधारशिला रखी, और प्रधानमंत्री जी ने आसाम में 11,600 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सारे पॉइंट सही हैं, उड़ीसा और असम को बहुत सारे जो है वो दिए गए। ठीक है, बहुत सारे जो है गिफ्ट किए गए, बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई। फरवरी 2024 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस संस्थान में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स लॉन्च किया? इन विच इंस्टीट्यूट यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे इसके मेन मिनिस्टर तो अश्विनी वैष्णव है, जो टेलीकॉम मिनिस्टर भी है, रेल मंत्री भी, लेकिन राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी। इन्होंने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब दोस्तों लॉन्च किया, कहाँ पर किया है? IIIT में किया है, IIIT दिल्ली में। और IIIT दिल्ली का मतलब क्या है? इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब कैटलाइजिंग द नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? माइती मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही सारे ऐप आते हैं, सारे वेब पोर्टल आते हैं, यहां तक कि OTT प्लेटफॉर्म को भी दोस्तों यही मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। OTT प्लेटफॉर्म का कोई रेगुलेटर तो है नहीं, कुछ भी सब अनाप शनाप अश्लील दिखा रहे हैं, मारपीट दिखा रहे हैं, तो गंदे गंदे से जो है कि गोली चला रहे हैं, पूरा एकदम खून लहूलुहान हो रहा है, ना उसमें कोई वो है कि 18 साल से कम 18 साल से अधिक, ये भाई साहब चल रहा है OTT प्लेटफॉर्म। इसको रेगुलेट करने का काम इनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, माइटी मिनिस्ट्री को। माइटी मिनिस्ट्री के जो पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी थे दोस्तों, और उनसे ट्विटर का विवाद भी हुआ था, ट्विटर का विवाद भी हुआ था, जिसकी वजह से उनको हटा के फिर अश्विनी वैष्णव को वो मंत्रालय दिया गया था। दोस्तों जनवरी 2024 में भारत ने 2024 के लिए यूनाइटेड नेशन के नियमित बजट में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन को और जितने भी इंटरनेशनल संस्थाएं, उनको हम लोग दान करते हैं, हम लोग का कोटा होता है कि इतना परसेंट आपको देना है। तो यूनाइटेड नेशन में हम लोगों ने दोस्तों जो है अभी 32.895 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के हेड हैं एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस हैं दोस्तों। अगर बात करें न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और न्यूयॉर्क में भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, स्थायी प्रतिनिधि हैं, वो है रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसकी कुछ शाखाएं जेनेवा में भी हैं, जैसे अंकटाड है जेनेवा में, तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जेनेवा में। वहां पर कौन है दोस्तों जेनेवा में स्थायी प्रतिनिधि? तो ये है अरिंदम बागची,
अभी अभी नए नए बने एकदम, अरिंदम बागची, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक में ईडी कौन बना है और यूनेस्को में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बना है, ये आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अभी ईडी वाला तो इसी हफ्ते क्वेश्चन पूछा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में ईडी। यूनाइटेड नेशन की बात करें दोस्तों तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 193 कंट्रीज इसकी मेंबर है और आखिरी जो मेंबर है वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान दोस्तों इसका आखिरी मेंबर है। यूनाइटेड नेशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 51 विजेता देशों ने मिलकर शुरू किया था और जिसमें पोलैंड ने साइन नहीं किया था, 50 देशों ने ही साइन किया था। ओके, यहां पे लोग बता रहे हैं कि सर ईडी जो है विकासशील है और यूनेस्को में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है विशाल शर्मा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही इंटरनेशनली बहुत सारे हमारे इंडियन काम कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के 14वें हेड हैं हमारे अजय पाल सिंह बंगा, CFO और MD है वर्ल्ड बैंक में अंशुला कांत, ईडी है नीति आयोग के पूर्व CEO परमेश्वरन अय्यर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं उर्जित पटेल जो RBI के गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी के पहले। वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक में है अशोक लवासा जो हमारे यहां चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो उसमें अनिल किशोर वाइस प्रेसिडेंट है। तो बहुत सारे लोग हमारे जो हैं इंडियन मूल के जो हैं अलग अलग संस्थाओं में नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे IMF में वाइस प्रेसिडेंट डिप्टी MD अभी हो गई हैं, डिप्टी MD पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी गीता गोपीनाथ IMF में। तो बहुत सारे भारतीय जो हैं इंटरनेशनल संस्थाओं में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं इसमें जो है अमेरिका में जो कंपनियां हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं जिसमें इंडियंस हैं। बिहार में दोस्तों नेशनल वाटरवे 1 पर नवनिर्मित कालू घाट अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल वाटरवे 1 जैसे हाईवे होते हैं वैसे वाटरवे भी है। वाटरवे मिनिस्ट्री इस बार नई बनाई गई है, सर्वानंद सोनेवाल जी को दी गई। वाटरवे 1 कहां से कहां तक है दोस्तों ये पूछा गया, तो NW1 जो है ये गंगा नदी पर है और NW2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इन दोनों नदियों का यूज करके नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक बहुत आसान हो गया है, उधर से बंगाल की खाड़ी होते हुए उन देशों में भी एक्सपोर्ट बहुत आसान हो गया क्योंकि सड़क का झंझट ही खत्म हो गया। तो ये दोस्तों कहां से कहां तक है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, अभी आपके एग्जाम में ये पूछा था, बैंक के एग्जाम में पूछा था कि दोस्तों कौन सा राज्य नेशनल कौन सा शहर नेशनल वाटरवे 1 में नहीं आता है, तो उसमें कानपुर हटाना था क्योंकि इलाहाबाद से शुरू होता है तो कानपुर, तो गंगा नदी आती है तो कानपुर के बाद इलाहाबाद में आती है ना, जहां यमुना गंगा मिलती है संगम में प्रयागराज, तो प्रयागराज से दोस्तों हल्दिया तक जो है ये नेशनल वाटरवे 1 है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है जहां से फिर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है यानी सागर में मिल जाती है गंगा सागर के पास, जहां गंगा सागर मेला भी लगता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो बीच में बिहार भी आता है। अभी इसी वाटरवे का यूज करते हुए वाराणसी से जो है एक गंगा विलास सबसे लंबी रिवर क्रूज गई थी जो इसी वाटरवे 1 का यूज करते हुए पूरा बिहार विहार होते हुए बंगाल होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंची थी। तो दोस्तों यहां पे टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है सर्वानंद सोनेवाल जी के द्वारा क्योंकि यही पोर्ट शिपिंग और वाटरवे मिनिस्टर हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड से आते हैं, माजुली आइलैंड से आते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की अगर बात हो रही है तो दोस्तों भारत का पहला मल्टी मॉडल रिवर पोर्ट जो बना था वो वाराणसी में बना था दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। और यह भी याद रखिएगा कि वाराणसी में ही गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गंगा नदी पर तैरता हुआ CNG स्टेशन लॉन्च किया था जिसकी वजह से उसको कुआलालंपुर मलेशिया में सम्मानित भी किया गया क्योंकि उससे जो है नाव वालों को CNG भरवाने में आसानी हुई और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली पूरा गंगा जो है करने के लिए, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बहुत बड़ी पहल है। और दूसरा वाला भी दोस्तों वाराणसी में ही शुरू किया गया रविदास घाट पे, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हल्दिया और कोलकाता बंदरगाहों से जहाजों के निर्बाध कनेक्टिविटी को प्रदान किया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बिहार में भी दोस्तों अब जो है प्रोजेक्ट लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे, बिहार भी अब न्यूज़ में आने लगेगा क्योंकि बिहार में अब NDA की सरकार आ गई है। ठीक है, सर्वानंद सोनेवाल जी की बात करें तो गुवाहाटी में दोस्तों इन्होंने रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी का की आधारशिला रखी। इन्होंने दोस्तों जो है सागर सेतु के अंतर्गत एक पोर्ट हेल्थ जो है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन भी लॉन्च किया। ग्लोबल इंडिया मैरिटाइम समिट का भी दोस्तों इन्होंने शुभारंभ किया, सागर संपर्क का उद्घाटन किया, सागर समृद्धि भी लॉन्च किया। ये आयुष मंत्री भी हैं दोस्तों, आयुष का फुल फॉर्म बता फट लिख दिए आप लोग, आयुष का फुल फॉर्म दोस्तों। पटना डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पटना डिक्लेरेशन जो है ये दोस्तों बर्ड कंजर्वेशन से संबंधित है, और बर्ड कंजर्वेशन में रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि का बहुत योगदान है, वेटलैंड्स का। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में ये कन्वेंशन हुआ था, 75 से 5 बढ़ गए हैं रामसर साइट, 80 हो गए, 3 कर्नाटक में बढ़े हैं, 2 तमिलनाडु में अभी हाल ही में बढ़े हैं दोस्तों। पटना में दोस्तों डॉल्फिन का भी कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया था, गंगा नदी पर डॉल्फिन का कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया था। और दोस्तों अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं हम, क्या बताने जा रहा था मैं आपको, हाँ डॉल्फिन जो है वो भारत की भी एक्वाटिक एनिमल है, जलीय जीव है, और अभी यूपी ने भी अपना जलीय जीव गंगाटिक डॉल्फिन को ही, गंगा की डॉल्फिन को ही चुना है दोस्तों। अभी किस राज्य ने काजी नेमू को यानी लेमन को, नींबू को अपना जो है राज्य फल घोषित किया है? पर्यटन मंत्री जो है दोस्तों जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के सिद्दीपेट में कोमुरावेल्ली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। टूरिज्म मिनिस्टर रेड्डी लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर कोमुरावेल्ली रेलवे स्टेशन इन सिद्दीपेट तेलंगाना। तो ये दोस्तों जो टूरिज्म मिनिस्टर ने जो है इसकी आधारशिला रखी है, जी किशन रेड्डी, जो कि अच्छा रेड्डी नाम से तेलंगाना में 2 लोग हैं, एक भाजपा के मंत्री हैं सिकंदराबाद से, एक रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं वो भी रेड्डी हैं, है ना, तो दोनों रेड्डी तेलंगाना में ही हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है इस रेलवे स्टेशन की जो आधारशिला रखी गई है। रेलवे स्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? यहाँ पे जो है कोमुरावेल्ली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि हम लोग जो है द हिंदू के न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं लास्ट में, तो आइए देखते हैं म्यांमार वाले इशू को। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये जो FMR है, फ्री मूवमेंट रिजीम, जो 2018 में शुरू हुई थी कि 16 किलोमीटर तक आप म्यांमार वाले यहाँ आ सकते हैं, उसको बंद किया जा रहा है और यहाँ पे बाड़ लगाई जा रही है। कितने किलोमीटर की बाड़ लगाई जा रही है दोस्तों? ये जो कुकी और माइती समुदाय का ये जो झगड़ा हुआ था, ये जो दंगा हुआ था, 16 किलोमीटर तक ये लोग आसानी से आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, इन सब चीज़ों का दोस्तों अंत किया जाएगा। क्योंकि अब एक चीन समुदाय और सगाइन समुदाय, ये लोग भी दोस्तों जो है भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो अलग अलग ट्राइबल्स रोहिंग्याज वैसे ही घुस गए हैं दोस्तों। तो म्यांमार में अब बाड़ लगाया जाएगा क्योंकि वहां के सारे लोग इंडिया में ही बढ़िया पल फूल रहे होंगे, तो फल फूल रहे हैं, तो वहां पे न्यूज फैल गई कि चलो भारत में घुसो दोस्तों। टाइज अक्रॉस द सी, आज इन भारत और UAE के रिश्तों पर बात करेंगे दोस्तों। आज आर्टिकल आया था, न्यूज बहुत नहीं थी आज के हिंदू न्यूज़पेपर में, तो मैंने कहा जा एडिटोरियल ही डिस्कस कर लेते हैं। एडिटोरियल जो है डिस्कस करते हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट भी है टॉपिक, क्योंकि आप देखते होंगे कि UAE और सऊदी अरब जो भारत के मित्र देश हैं, कश्मीर का मुद्दा हो पाकिस्तान चिल्लाता रह गया कि भाई कुछ बोलो तुम लोग, कश्मीर के मुद्दे पर आर्टिकल 370 हटा, UAE सऊदी अरब चुप, कुछ नहीं बोला इन्होंने। अभी दोस्तों राम मंदिर वाला मुद्दा आया, तब भी पाकिस्तान पूरी दुनिया भर को भड़काता रहा, कतर को भड़काया, तुर्की को भड़काया, मालदीव भड़का हुआ है, लेकिन UAE और सऊदी अरब को भड़काने की कोशिश किया, नहीं भड़का।
कई बार पाकिस्तान के इमरान खान ने आरोप भी लगाया कि ये यूएई और सऊदी अरब इंडिया को मार्केट समझते हैं, इसलिए जो व्यापार की के चक्कर में धर्म को जो है सेकेंडरी जो है मानते हैं। वैसे भी दोस्तों कहा जाता है कि नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है, तो ये जितने कट्टर हैं ये सब कन्वर्टेड वाले ज्यादा कट्टर होते हैं, जो मूल हैं जहां मक्का है मदीना है वहां पे जो है इतनी जो है ये सब नहीं सोचते हैं। यहां पे तो इतना भव्य मंदिर बनवाया गया, मैं जो है कहना चाहूंगा राम मंदिर जो अयोध्या में उससे भी भव्य मंदिर मुझे लगा दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने फोटोग्राफ देखे बहुत सुंदर, 27 एकड़ में मंदिर और 40 एकड़ में दोस्तों जमीन पार्किंग की दी गई, वहां पे आर्टिफिशियल गंगा यमुना की दोस्तों नदी के मुहाने बनाए गए, इतनी सुंदर कलाकृति, इतना सुंदर इन्वेस्टमेंट। बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन हुआ दोस्तों यूएई में, स्वामी नारायण मंदिर का, मजा आया। तो दोस्तों ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही राम मंदिर के खिलाफ, तब वहां पे एक मंदिर का उद्घाटन, यानी कि सारी सारी बोलती बंद, क्योंकि यूएई में अगर आप मंदिर खोल दिए और उसका उद्घाटन कर दिए तो राम मंदिर की बातें छुप गई। अब जो है जब इस्लामिक कंट्रीज का जो मसीहा है जो मुखिया है वही मंदिर को जो मान्यता दे रहा है, तो फिर बाकी सारे जो 56 देश हैं 54 देश जितने भी हैं सब चुप, एकदम चुप। अब देखिए दोस्तों यूएई से हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हैं कि 7 बार विजिट कर चुके हैं मोदी जी। अभी यूएई के राष्ट्रपति खुद भारत आए थे जनवरी में, 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में चीफ गेस्ट थे। सऊदी अरब वाले आए थे दोस्तों सलमान, वो जो है G20 में आए थे जबकि वो मेंबर नहीं है ये G20 का, उनको मोदी जी ने स्पेशल बुलाया था और वो अगले दिन राष्ट्रपति भवन जाने वाले वो अकेले नेता थे। G20 में तो सारे राष्ट्रपति आए थे, वो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे, स्पेशल गेस्ट के रूप में। दोस्तों एट फर्स्ट क्लास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन यूएई विजिट लास्ट वीक माइट हैव सीम लाइकली एनी अदर बायलेटरल विजिट। बहुत सारी विजिट होती है उसमें में से आप ऐसे देख सकते हैं, अनॉर्मल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। बट दिस विजिट मिस्टर मोदी 7th विजिट, 7 बार किसी प्रधानमंत्री का एक ही देश में जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ऐसे कहीं नहीं जाते, गुजराती आदमी है, 1 रुपए में 4 अठन्नी भजाते हैं दोस्तों। ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट की डिजायर है कि ज्यादा जो है हमें जो है अमीरात के साथ जो है अपने और संबंधों को प्रगाढ़ करना है, दोनों देश चाहते होंगे तभी ऐसा हो पा रहा है। अब इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें की बात हुई कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मोदी जी गए थे, है ना, पहला हिंदू मंदिर जो है कि अबू धाबी में दोस्तों शुरू किया गया। 2 प्रपोजल थे कि एक सिंपल बिल्डिंग बनाई जाए उसके अंदर भगवान को स्थापित किया जाए, या एक भव्य मंदिर बनाया जाए उसमें भगवान को स्थापित किया जाए। तो दोस्तों 1 मिनट का समय नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने बोला मंदिर के शेप का बनाइए, मंदिर के शेप का, ये नहीं कि बिल्डिंग के शेप का बनाएंगे कि हमारी भावनाएं आहत ना हो जाए। एक ऐसा देश जहां रक्षा नहीं पहन सकते, मूर्ति नहीं रख सकते, घंटी नहीं बजा सकते, अब वहां घंटी भी बजेगी, मंदिर के आकृति भी दिखाई देगी। बच्चों ने वहां 1 साल तक पिज्जा और ये सब नहीं खाया, वहां हर संडे को जाकर के भाई साहब पत्थर रखते थे वहां के इंडियन बच्चे, सोचिए वहां पे जो भारतीय मूल के बच्चे रह रहे थे दोस्तों। 10 बाइलेटरल एग्रीमेंट पर साइन होना भी जो है यहां पे बहुत जो है बड़ी बात बताता है। देखिए सेपा एग्रीमेंट तो 2022 से चल ही रहा है, भारत और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो चल ही रहा है, लेकिन जो इस बार जो बीआईटी हुआ है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुआ है, इसमें बहुत सारे दोस्तों ट्रीटी हुए हैं, बहुत सारी इसमें बातें हुई हैं, जैसे लोथल बंदरगाह को डेवलप करना जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का है गुजरात में, चाहे दोस्तों डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके आनी का यूपीआई से टाई अप करना और रुपए का जेवान से टाई अप करना, बहुत सारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भी जो है बात हुई है। अब देखिए जो यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट करिए आप लोग, यूएई इज नाउ इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, संयुक्त अरब अमीरात भारत का 3रा व्यापारिक भागीदार है, ट्रेडिंग पार्टनर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ओके। इंडिया 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, भारत का 2रा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन है, यानी भारत से सबसे ज्यादा एफडीआई भी दोस्तों दुबई जा रही है,
भारत दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां करता है? यूएई में कर रहा है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, और अगर टॉप 5 एफडीआई में मानोगे तो चौथे नंबर पे यूएई आता है, पहले नंबर पे मॉरिशस, दूसरे पे सिंगापुर। द इनॉग्रेशन ऑफ भारत मार्ट, दोस्तों वहां पे भारत मार्ट का भी इनॉग्रेशन किया गया भारतीय एमएसएमई के लिए, भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए। यह भी दोस्तों जो है ट्रेड टाई को मजबूत कर रहा है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड फोकसिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, डिजिटल क्रॉस पेमेंट, न जाने कितने एग्रीमेंट दोस्तों इस में हुए, जो बीआईटी हुई है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, है ना, वही नाम है ना बीआईटी का, मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ट्रीटी। और सेपा तो हो ही रहा, सेपा तो कई देशों के साथ हमारा चलता है, एकटा किसके साथ चलता है बताओ। उसके बाद दोस्तों जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बात हुई, जो कि भारत ने G20 में, मोदी जी ने दिल्ली में गेम खेला था, इस कॉरिडोर को बनाने की बात कही थी, जो यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए यूरोप जा रहा है, तुर्की को बाईपास कर रहा है, तुर्की से नहीं जा रहा है, तुर्की के एर्दोगन जी ज्यादा नाटक करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पे I2U2 के जिक्र हो रहा है, I2U2 जैसे क्वाड कंट्रीज थी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की, वैसे ही चार देशों का I2U2 बनाया गया है, जहां आई नाम से दो हैं इंडिया और इजराइल, और यू नाम से दो हैं अमेरिका और यूएई। इन चारों की दोस्ती दोस्तों जो है इधर प्रगाढ़ करनी है, वैसे इसमें दो तो दुश्मन थे यूएई और इजराइल, लेकिन इन दोनों को भी दोस्त बनाने पे काम किया जा रहा है, जिसमें इंडिया और अमेरिका बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब्राहम समझौता हो, चाहे एम्बेसी खोलना हो, इन दोनों देशों के बीच में धीरे धीरे एक दूसरे को मान्यता देना शुरू कर दिया। यूएई दे देगा तो सारे मुस्लिम देश फिर उनके पिछले लग्गू ही हैं, वो दे देंगे। तो दोस्तों जो है ये जो है 2024 से जो है ये इनिशिएटिव शुरू हुआ I2U2 से। इसके बाद दोस्तों ब्रिक्स फ्रेमवर्क पे बात हुआ, ब्रिक्स का भी नया मेंबर बना है 1 जनवरी से यूएई। ब्रिक्स में 5 मेंबर थे, अभी दोस्तों जो है 6 मेंबर और ऐड होने वाले थे, लेकिन 5 ही ऐड हुए, अर्जेंटीना ने मना कर दिया। वो 5 मेंबर कौन से हैं दोस्तों, जो है आपका ईरान है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, ये 3 तो आपके जो है, इजिप्ट है, ठीक है, और एक ई से और कोई है, इथियोपिया है क्या शायद, 4 तो इस्लामिक कंट्री है, एक जो है मुझे लगता है अलग से कोई होगा, वो जो है इथियोपिया है शायद, ठीक है, ई नाम से 2 हैं, इजिप्ट है और शायद इथियोपिया है। तो ये दोस्तों ब्रिक्स के मेंबर्स में भी अब यूएई मेंबर बन गया है, ये भी भारत की कूटनीतिक जीत है। इसके बाद दोस्तों इसराइल गाजा ऑपरेशन पर बात हुई, रेड सी में जो अटैक हो रहा है उस पर भी बात हुई, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इस समय वो भी बात हुई। देखिए इंडिया यूएई जो ये जो टाई अप है ना, ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक और कल्चरल इंगेजमेंट भी है, जो कि सदियों से पुराना जो हमारा ट्रेड और डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में, भारतीय वहां 30% है, 18% जो भारत को रेमिटेंस आता है यहीं से आता है, रेमिटेंस में हम नंबर 1 है, यानी भारतीय विदेश में रह करके अपने परिवार को पैसे भेजते हैं, इसको रेमिटेंस कहा जाता है, प्रेषण, इसमें हम नंबर 1 है, उसमें 18% यूएई से आता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। द डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब वही अनिवासी भारतीय, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 18% ऑफ इंडियाज ग्लोबल रेमिटेंस, ठीक है। तो दोस्तों जो है यही सारी बात हुई है, आगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, बहुत सारी नई नई जानकारियां मिली होंगी, अच्छा लगा मुझे आर्टिकल। वैसे मैं एडिटोरियल कराता नहीं हूं, इंग्लिश टीचर का काम है, लेकिन मुझे इसमें लगा कि इसमें जीए बहुत है, जैसे सेपा हो गया या बीआईटी हो गया, I2U2 हो गया, भारत कौन सा ट्रेडिंग पार्टनर है, एक्सपोर्ट, एफडीआई, ये सारी चीजें लिखी हुई थी, तो मुझे लगा ये तो जीए के पॉइंट है, तो मैंने जो आज इंग्लिश टीचर का जो है थोड़ा सा जो है मैंने डिस्कशन करा दिया, तो इंग्लिश टीचर मुझे इसके लिए माफ़ करेंगे।
दोस्तों भारत एक एक आर्टिकल और आया था जिसमें कि इन वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। रामनाथ कोविंद जी कमिटी के हेड हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। उसमें मुझे ये मैप अच्छा लगा, ये मैप अच्छा लगा कि भाई साहब आबादी वाइज जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूपी की जो आबादी ब्राजील के बराबर है, राजस्थान की जो है वो यूके के बराबर है, कश्मीर मेडागास्कर जैसा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये एल सल्वाडोर, उज्बेकिस्तान, सूडान, फिलीपींस, बोट्सवाना, मंगोलिया, वियतनाम, अर्जेंटीना, कोलंबिया, तुर्की, बहरीन, थाईलैंड, मतलब हर राज्यों की तुलना एक देश से की गई है। हर राज्यों की क्षेत्रफल वाइज या पॉपुलेशन वाइज तुलना जो है किसी न किसी देश से की गई है। ये देख के मुझे लगा कि यार ये फोटो भेज दूंगा, तुम लोग अपना देखते रहना, है ना, पीडीएफ आप में मिल जाएगी सारी चीजें। जायसवाल जो है तीसरे इंडियन बन गए जो कि लगातार दो टेस्ट में डबल सेंचुरी मार दिए, और इंडिया 2-1 से आगे चल रहा है इंग्लैंड से टेस्ट मैच में, 2-1 से जीत गया क्या दोस्तों। इसके बाद जो है मित्सोताकिस जी जो है ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये रायसीना डायलॉग इंडिया में होने वाला है जिसमें चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। बाकी ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, राम भद्राचार्य गुलजार जी को ज्ञान ज्ञानपीठ मिला। इनसेट 3DS एक जो है मौसम विज्ञान, मेटेरियोलॉजी मतलब मौसम विभाग, तो मौसम विज्ञान की सैटेलाइट भेजा है मौसम की सटीक जानकारी के लिए। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सेट हुआ है, JSLV F-14 रॉकेट से भेजा गया है, ठीक है। दंगल वाली जो है सुहानी की डेथ हो गई। पेटीएम पेमेंट बैंक को 15 मार्च तक का समय मिल गया है, ठीक है। 125 फीट की लक्षित बरफुकन जी की मूर्ति लगाई गई है असम में जोरहाट में। अब पीआईबी कॉलम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पीआईबी कॉलम की ओर बढ़ते हैं। एपिडा दोस्तों जो कि एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में भारत के किसानों की मदद करता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की पैकेजिंग करवा के भेजता है ना, अलग अलग महोत्सव भी मनवाता है विदेशों में। इसका दोस्तों जो 38वां फाउंडेशन डे मनाया गया, मुझे लगता है ये करीब जो है 1985-85 में ये आया रहा होगा, मुझे लगता है 1986 में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है भारत के एक्सपोर्ट की बात कही गई है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भारत में जो एक्सपोर्ट होता था कृषि निर्यात वो 0.6 बिलियन का होता था, और आज जो है वो 26.7 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट खाली हो गया है। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा है ये, जो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, ओके। 200 से अधिक देशों में निर्यात दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, ये 12% की एनुअल वृद्धि दर को बता रहा है। 2022-23 की अवधि में दोस्तों भारत का कृषि निर्यात 53.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, ठीक है। और इसमें जो एपिडा का योगदान रहा वो जो है 51% का, यानी एपिडा ने अकेले जो है कृषि निर्यात में 26.7 बिलियन का योगदान दिया है, ठीक है। 23 प्रमुख वस्तुओं में से 18 ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है, 15 प्रमुख वस्तुओं में से 13 जिनका निर्यात पिछले वर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, ताजे फलों ने 29% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, सब्जियों की निर्यात में 24% की वृद्धि हुई है, 102 गंतव्य देशों की तुलना में आज 111 देशों में फल और सब्जियों का एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। और दोस्तों इसी के लिए कृषि उड़ान योजना है, कृषि उड़ान योजना, क्योंकि ये फल और सब्जी तो 1-2 दिन में खराब भी हो जाएंगे, 111 देशों में पहुंचाना ये सब्जियां और फल को फ्रेश रहते हुए ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी बातें जो है एपिडा ने अपने स्थापना दिवस पर कही है। देखिए यहां पर दाल की बात हो रही है, अंडे की बात हो रही है, केसर की बात हो रही है, दशहरी आम की बात हो रही है, बासमती चावल की बात हो रही है दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बासमती चावल,
सबसे ज्यादा इंडिया से ही जाता है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये सब चीजें जाती है। टॉप फाइव जो गंतव्य है बासमती के लिए, ये जो पांचों देश के नाम मैंने अभी लिए हैं। इसके बाद दोस्तों एपिडा जो है बनाना का एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से मॉस्को में, यानी कि केले भी भेज रहा है दोस्तों। अभी एक क्वेश्चन आया था जलगांव बनाना जो यूएई भेजा गया था, वो जो है उसको जीआई टैग मिला था महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों भारत में आंध्र प्रदेश जो है केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी याद करें। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बनाना होता है केला, केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों केला, यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, अक्सर आप महाराष्ट्र टिक कर सकते हो, महाराष्ट्र के भुसावल केले बहुत फेमस है। कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश। तो आपको आज मैंने बचा लिया, आपको जो है आंध्र प्रदेश बता दिया। अब एग्जाम में पूछेगा कि केले का सबसे बड़ा जो है उत्पादक कौन है, तो इसको आप बता दोगे, ठीक है। 67% का योगदान दिया इन पांच राज्यों ने। दोस्तों केले का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी हम केले के निर्यात नहीं करते हैं, तो केले के निर्यात में दोस्तों जो है मतलब उस मात्रा में नहीं करते हैं, तो अब इसके निर्यात पे पूरा एपिडा ध्यान देगा, ठीक है, क्लियर है। दोस्तों आईआईटी बीएचयू में एक डार्क पैटर्न का बस्टर हैकाथॉन हुआ था, उसका ग्रैंड फिनाले हो गया दोस्तों। तो ये जो है डार्क पैटर्न पर हैकाथॉन कहाँ हुआ था, आईआईटी बीएचयू। बीएचयू का मतलब है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू का इंग्लिश में मतलब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना दोस्तों महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1915 या 16 में की रही होगी, 1916 में या 15 में की रही होगी, बसंत पंचमी के दिन। और महात्मा गांधी पहली बार इंडिया साउथ अफ्रीका से आने के बाद पहली बार कहीं गए थे और स्पीच दी थी, तो यहीं पे दी थी। और जब काशी विश्वनाथ आए थे तो उन्होंने कहा इतनी पतली गली में इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है, ये गंदी गलियां हैं, बहुत उन्होंने कंप्लेन भी की थी उस भाषण में, जिसके ऊपर मोदी जी ने जो है कि कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, 400 मकानों को तोड़ करके एक वहां गली ही खत्म कर दी, बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। दोस्तों आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो है ये दोस्तों कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ। अलग अलग जगह होता है दोस्तों, दिव्य कला महोत्सव, आदि महोत्सव, सरस आजीविका महोत्सव, अलग अलग जगह होता है। द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में इसका आयोजन किया। राजस्थान में दोस्तों पोखरण में, जहां परमाणु विस्फोट भी हुआ था, परमाणु परीक्षण भी हुआ था, पाकिस्तान बॉर्डर है, यहाँ वायुसेना ने अपना असीम जो है पराक्रम दिखाया, असीम पराक्रम दिखाया भाई साहब, और एक से एक गोले दागे। अनिल चौहान जी भी वहां पे मौजूद थे मुख्य अतिथि के रूप में। आकाश मिसाइल का भी परीक्षण वहां पे दिया गया, 120 से भी अधिक विमानों ने दोस्तों यहाँ पे अपनी क्षमता दिखाई, राफेल, SU-30, MKI, MiG-29, Mirage-2000, तेज, हॉक जैसे सहित भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सटीक आक्रामकता के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पे हमला किया, मतलब नकली ठिकानों पर, और उन्हें नष्ट कर दिया। बहुत सारे काम हुए दोस्तों, बहुत मजा आया इस प्रोग्राम में, इसको पढ़िएगा, पूरा पूरा कहानी लिखा हुआ है दोस्तों। इंडोनेशिया में जो नए प्रेसिडेंट बने हैं प्राबोवो सुबियांतानो, इनको दोस्तों मोदी जी ने जो है बधाई दी है। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है इंडोनेशिया में, आसियान का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है, ओके। ये भी पीआईबी कॉलम है दोस्तों, इसके बारे में भी पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि कुछ पूछ ले कि भैया बताओ कि इनसेट क्या है, GSLV-14 क्या है, तो पढ़ लेना एक बार, ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने दे दिया है क्या क्या इसके अंदर है। कई बार जैसे आदित्य एलवन का वजन ही पूछ लिया था, तो भैया कुछ भी पूछ सकता है, ये एग्जामिनर है और ये SBI का एग्जाम है। तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से जो है मैंने आज के करंट अफेयर को दोस्तों कंप्लीट किया, कोई भी करंट अफेयर न छूटे इसका ध्यान रखता हूँ। इसका PDF जो है आपको रोजगार वेतंकित ऐप पर मिल भी जाता है, बैंकिंग फाउंडेशन में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर और बैंकिंग की क्लास मेरी 3 बजे होती है और रात को 9 बजे मेरी जो है दोस्तों बेस्ट 206 मंथ करंट अफेयर की क्लास चल रही है,
जो कि आपके लिए निर्णायक होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।